हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया ये तो देख लिया। अब यहां पर एक बात ये विचारनी है कि लगभग 600 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनमें से मोस्ट ऑफ इंडिया में जो है वो इंटीग्रेट कर जाते हैं, तो भाई प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेटेड विद इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स जिनकी ज्यादातर ख्वाहिशें आजाद रहने की थी वो अल्टीमेटली इंडिया में मर्ज करने के पीछे उनके क्या कारण थे, क्यों अल्टीमेटली उन्होंने इंडिया में मर्ज किया, उसके कुछ कारण देखते हैं। पहला, 1920 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वहां पर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसको नागपुर रेजोल्यूशन कहा गया था, और उस नागपुर रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने कहा था प्रिंसली स्टेट्स कि वहां पर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, क्योंकि वहां राजशाही चल रही है और इधर जो ब्रिटिश इंडिया है वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, वहां पर जनता के द्वारा चुने हुए लोग, ठीक है, धीरे धीरे चुनाव वगैरह होने लगे, कुछ भारतीय लोगों को अधिकार मिलने लगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को लेने लगे, तो यहां पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से काफी हद तक काम चल रहा था ब्रिटिश इंडिया में, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स में राजशाही की व्यवस्था चल रही थी। तो कांग्रेस ने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भी जो है धीरे धीरे वहां पर वहां की सरकार है, वहां की जो राजशाही वाली व्यवस्था है उसको कमजोर किया जाए और धीरे धीरे वहां के नागरिकों में को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलना चाहिए था, धीरे धीरे वहां भी चुनाव इत्यादि होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस ने कहा था बट पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट कुड नॉट यूज आईएनसी मेंबरशिप फॉर दिस पर्पज और एनी अदर डिमांड्स। लेकिन इसके लिए कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस प्रिंसली स्टेट्स के मामलों में दखल नहीं देगी, हम वहां के राजा महाराजाओं से ये निवेदन करते हैं कि वहां पर धीरे धीरे अपनी ये जो मोनार्की वाली सिस्टम उसको कमजोर किया जाए, इलेक्शन लाया जाए, सिविल राइट लाया जाए, ये तमाम काम किया जाए, लेकिन कांग्रेस डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगी। वहां की जनता को भी यदि इस प्रकार की कोई डिमांड करनी है और यदि वो कांग्रेस का मेंबर है भी तो वो कांग्रेस की मेंबरशिप का उपयोग करके कांग्रेस की बिहाफ से प्रिंसली स्टेट में इस प्रकार की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस डायरेक्टली प्रिंसली स्टेट में इंटरफेयर करना नहीं चाहती, ठीक है। अगर वहां के प्रिंसली स्टेट्स के जनता को वहां डेमोक्रेटाइजेशन लानी है, वहां मोनार्की में कुछ परिवर्तन करना है, तो उसके लिए वहां की जनता पहले से ही प्रजामंडल नामक एक संस्था बना रखी थी। ये प्रिंसली स्टेट्स की इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे और जो नेशनलिस्ट विचारधारा के लोग थे उनका एक संगठन था जिसको बोला जाता था प्रजामंडल या प्रजा परिषद। यहां पर लोग बैठते थे, आपस में बात करते थे कि हमारी जो प्रिंसली स्टेट्स है वहां भी धीरे धीरे हमें सिविल राइट मिलने चाहिए, राजा थोड़ा जिम्मेदार हो, चुनाव इत्यादि होने चाहिए, ये तमाम बातें करने के लिए प्रजामंडल की जो है स्थापना की गई थी। और इन्हीं प्रजामंडल के माध्यमों से कांग्रेस ने कहा कि वहां की जनता अपने प्रिंसली स्टेट में सुधार की बात करे, ठीक है। यहीं से धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट कमजोर होने शुरू होंगे और अल्टीमेटली 1947 में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। नंबर दो में हम देखते हैं गांधी रिपीटेड द सेम एंड डिमांडेड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। 1934 में गांधी जी ने भी ऊपर कही हुई बात को दोहराया और यह भी कहा कि प्रिंसली स्टेट्स के नागरिकों को कोई मूलभूत अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि वहां डेमोक्रेसी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां के नागरिकों को भी धीरे धीरे मूल अधिकार इत्यादि सुविधा मिलनी चाहिए। और गांधी ने दोबारा कहा विदाउट आईएनसी इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन यह सब कुछ प्रजामंडल के माध्यम से किया जाएगा, कांग्रेस कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। तीसरी बात, 1938 का हरिपुरा सेशन हुआ कांग्रेस का जब सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष थे, और यहां पर कांग्रेस ने पहले से नारा दिया हुआ था पूर्ण स्वराज। 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था वहां पूर्ण स्वराज का नारा अपनाया गया था, तो पूर्ण स्वराज केवल ब्रिटिश इंडिया के लिए नहीं बल्कि 1938 में यह क्लियर कर दिया गया कि पूर्ण स्वराज माने पूरी आजादी का मतलब है ब्रिटिश इंडिया भी आजाद होगा और प्रिंसली स्टेट्स भी आजाद होंगे, और आजाद होंगे का मतलब आजाद होने के बाद उनको भारत में मिलना पड़ेगा। इस प्रकार का इंटेंशन जो है वो इस हरिपुरा सेशन में दिया गया था। चौथी बात, राइज ऑफ प्रजामंडल्स। प्रिंसली स्टेट्स में भी कई प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जहां पर प्रजामंडल नामक संस्था बन रही थी और जहां पर डेमोक्रेसी के लिए लोग आपस में मिलकर के विचार कर रहे थे, ठीक है। ऐसे प्रिंसली स्टेट्स बने जैसे कि बड़ौदा 1917 में, काठियावाड़ 1921 में। ये सब चीजें राजाओं के ऊपर दबाव डाल रही थी, राजाओं को कमजोर कर रही थी, विवश कर रही थी कि या तो वो राजशाही छोड़े या वहां पर चुनाव वगैरह कराए, वहां डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी लाए, वहां के लोगों को अधिकार दे, ठीक है, और जितना कुछ व्यवस्था ब्रिटिश इंडिया में हो रहा है उस प्रकार की व्यवस्था प्रिंसली स्टेट्स में लाई जाए, ठीक है। बीच प्रजामंडल्स, ये जो प्रजामंडल थे, स्टार्टेड देयर रेगुलर मीटिंग, अपना रेगुलर मीटिंग करते थे फॉर ग्रेजुअल डेमोक्रेटाइजेशन इन देयर रिस्पेक्टिव प्रिंसली स्टेट्स, और अपने अपने प्रिंसली स्टेट्स में इन प्रजामंडल के माध्यमों से लोकतंत्र लाने की बात की जाती थी। राजा इनका विरोध करता था, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि मोनार्की खत्म हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसली स्टेट्स की स्थिति धीरे 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 कैसे कमजोर होती गई। अगली बात, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनके कुछ नेशनलिस्ट और पढ़े लिखे विचारधारा के लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया 1927 में, जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1927 में, ठीक है। ये कुछ नेशनलिस्ट लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, जिनके अंदर राष्ट्रवादी विचार था, जो भारत में मिलना चाहते थे, प्रिंसली स्टेट्स को अलग रखना नहीं चाहते थे, वहां डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, ये तमाम राष्ट्रवादी में जो महत्वपूर्ण है बलवंत राय मेहता, जो आगे पंचायती राज के लिए इनकी कमेटी बनती है इन्हीं के नाम से, मणिलाल कोठारी, जी आर अभ्यंकर, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, प्लस इसके अलावा 700 प्लस से ज्यादा इस कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स शामिल होते हैं अलग अलग प्रिंसली स्टेट से, और सभी प्रिंसली स्टेट से इनकी डिमांड रहती है सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मोनार्की सिस्टम में जो राजा होता है वही एग्जीक्यूटिव होता है, वही लेजिस्लेचर होता है, वही ज्यूडिशरी होता है, अलग अलग ज्यूडिशरी और एग्जीक्यूटिव नहीं होते। तो इनकी एक डिमांड थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका जो रियासतें हैं उनमें से अलग अलग कर दिया जाए, न्याय का काम राजा से छीन लिया जाए। दूसरी बात, सेपरेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फ्रॉम पर्सनल एक्सपेंडिचर, राजा टैक्स वगैरह से जो पैसा लेता था उससे अपनी शान शौकत में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया करता था, और जब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था तो पब्लिक के लिए पैसा खर्च करने के लिए बचता ही नहीं था, इसलिए इनका कहना था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और पर्सनल एक्सपेंडिचर को अलग अलग कर दिया जाए, ये तय किया जाए कि कितना पैसा पर्सनल राजा खर्च करेगा और कितना पब्लिक में किया जाएगा। सिविल राइट्स की डिमांड की कि जनता को भी, जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी, ये तमाम बातें उन्होंने मांगनी शुरू की। एंटी फ्यूडलिज्म, ये जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस है, ये राजशाही में चूंकि सामंतवादी व्यवस्था बहुत ज्यादा चलती थी, एक राजा के अंदर में बहुत सारे मंत्री मंत्री होते थे, ये सामंतशाही विचार के होते थे, तो ये फ्यूडलिज्म का भी विरोध करते थे, और फ्यूडल्स जो होते थे राजा की असली ताकत होते थे। इंटीग्रेशन विद इंडिया, भारत में मिलने की बात करते थे, तो ऐसे कुछ डिमांड्स ये लोग करते थे जिससे धीरे धीरे जो राजा महाराजे होते थे उन पर दबाव पड़ना शुरू हुआ, और 1947 आते आते तक उनको लगा कि अब जनता किसी भी प्रकार से मोनार्की नहीं चाहती, वो डेमोक्रेसी चाहती है और भारत में मिलना चाहती है। 1939 त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस, जब दोबारा एक बार फिर सुभाष चंद्र बोस यहाँ के अध्यक्ष बने, फिर कंट्रोवर्सी हुई, और फिर पट्टाभी सीतारमैया का कैंडिडेट था, ये तमाम चीजें मैं पहले डिस्कस कर लूं। तो 1939 के त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस में कांग्रेस सपोर्टेड एआईएसपीसी, एआईएसपीसी माने ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने खुले तौर पर सपोर्ट किया, और एआईएसपीसी से कहा कि आप जो है राजशाही जो जहां जहां चल रहा है वहां डेमोक्रेसी के लिए प्रयास कीजिए, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। यहां तक कि जो एआईएसपीसी है, जो कि प्रिंसली स्टेट्स के लोगों का एक कॉन्फ्रेंस था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को 3 बार अपना अध्यक्ष भी बनाया, 1939 में, 1945 में और 1947 में। अर्थात यहां से प्रिंसली स्टेट्स की ये जो संस्था थी एआईएसपीसी और कांग्रेस के बीच में नजदीकी आना शुरू हो गई, और कांग्रेस ने खुले तौर पर एआईएसपीसी को समर्थन देना शुरू कर दिया कि आप प्रिंसली स्टेट्स में डेमोक्रेसी की बात कीजिए और माहौल बनाइए कि वहां पर भी डेमोक्रेसी हो, और जब भारत को आजादी मिले तो वो भारत में उनका विलय हो जाए, ठीक है। व्हाइल पीपल वर एक्सप्लॉइटेड एवरीवेयर इन ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज का मतलब ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट दोनों, तो एक्सप्लॉइटेशन तो दोनों जगह था लोगों का ब्रिटिश राज के अंतर्गत, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स में लोगों का जो शोषण था वो कुछ ज्यादा था, इसलिए भी जनता परेशान हो रही थी और उनको कोई ना कोई डिसीजन तो लेना था कि हमें अपने राजा को इंडिपेंडेंट रहने देना है या कहीं मिलना है। वेरियस प्रॉब्लम्स कॉज्ड फेस्ड बाय पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को अनेक प्रकार की परेशानी हो रही थी जो ब्रिटिश इंडिया की परेशानी की तुलना में ज्यादा थी। उदाहरण के लिए हाई टैक्स, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसली स्टेट्स में जो टैक्स रेट थे वो ब्रिटिश इंडिया की तुलना में ज्यादा थे। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी की बड़ी कुप्रथा चलती थी प्रिंसली स्टेट्स में। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद बहुत ज्यादा हावी था। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, प्रिंसली स्टेट्स में औद्योगिक पिछड़ापन था, उसका कारण यह था कि जो प्रिंसली स्टेट थे इनके राजा महाराजा आराम फरमाया करते थे और जो
ज्यादातर चीजें होती थी वो ब्रिटिश से इंपोर्ट किया जाता था, इससे अंग्रेजों को बड़ा ज्यादा फायदा था। ठीक है, इसके कारण जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां इंडस्ट्रीज नहीं होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी होगी, अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी और जनता प्रताड़ित होगी। और अल्टीमेटली जनता मांग करेगी कि यहां भी डेमोक्रेसी होना चाहिए, हमें भारत में मिल जाना चाहिए। नो मॉडर्नाइजेशन, एक तरफ ब्रिटिश इंडिया में आधुनिक शिक्षा, रेल, टेलीग्राफ, टेलीफोन, सिविल राइट्स, नई नई आधुनिकीकरण हो रही थी ब्रिटिश इंडिया में, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स इन सब मामलों से दूर था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का कहना था प्रिंसली स्टेट्स के मामले में तीन चीज ही देखेंगे, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, इसके अलावा राजा अपने क्षेत्र में क्या करता है हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1858 की घटना से उन्होंने सबक ले लिया था, क्योंकि 1857 में यही था कि प्रिंसली स्टेट पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करती है, इसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ, इसलिए अंग्रेजों ने सोच लिया कि प्रिंसली स्टेट्स को उनके हाल पे छोड़ दो। इसलिए रिजल्ट ये हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स में आधुनिकीकरण नहीं हो पाया, जबकि ब्रिटिश इंडिया में काफी कुछ आधुनिकीकरण हो रहा था, और इस अंतर को प्रिंसली स्टेट्स की भी मध्यम वर्ग और पढ़े लिखे वर्ग के लोग जान रहे थे, समझ रहे थे। नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, चूंकि धीरे धीरे भारत में चुनाव इत्यादि होने लगे, भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन गई ब्रिटिश इंडिया में, लेकिन प्रिंसली स्टेट में तो वही मोनार्की है, और मोनार्की किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता, टैक्स बढ़ गया क्यों बढ़ गया, किसी को फांसी दे दी क्यों दी गई, कोई न्याय प्रक्रिया नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तभी होगी जब वहां चुनाव इत्यादि के माध्यम से कोई व्यक्ति वहां चुना जाए, और वो सारी व्यवस्था प्रिंसली स्टेट में थी नहीं। नो सिविल राइट्स, वहां के लोगों को कोई अधिकार नहीं, राजा ने जो बोल दिया वही अधिकार है, जो नहीं बोला वो अधिकार नहीं है, तो कोई रिटन रूप में कोई सिविल राइट नहीं था कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता होगी, बोलने की आजादी होगी, शिक्षा का अधिकार होगा, हथियार रखने का अधिकार होगा या नहीं होगा, ये तमाम बातें स्पष्ट नहीं थी। सपरेशन ऑफ रिवोल्ट, यदि कभी किसी प्रिंसली स्टेट में थोड़ा मोड़ा रिवोल्ट वगैरह हुआ भी, जनता ने विद्रोह वगैरह किया भी, तो चूंकि प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करती थी, वो तुरंत फोन लगाते थे ब्रिटेन वालों को, ब्रिटिश इंडिया को, जो वायसराय है, गवर्नर है, कि यहां पर ऐसा दंगा फैल रहा है, ब्रिटिश सरकार तुरंत अपनी सेना भेजती थी, और वो जो वहां पर रिवोल्ट इत्यादि हो रहे हैं उसको दबा दिया जाता था, जनता की आवाज अनसुनी कर दी जाती थी। तो राजा महाराजाओं को भी चिंता नहीं थी कि जब कभी हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का दंगा बवाल होगा तो ब्रिटेन की सेना आकर के, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना आकर के तो हमें बचाई लेगी, इसलिए वो लापरवाह होते थे, उनको शासन प्रशासन, जनता के रोष, जनता की इच्छाओं से कोई मतलब नहीं था। नौवीं बात, इंडियन नेशनल मूवमेंट लेड बाय कांग्रेस एंड अदर्स इन ब्रिटिश इंडिया डीपली इंपैक्टेड पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब अगर भारत ब्रिटिश इंडिया में 1885 से ही कांग्रेस अपना आंदोलन कर रही है, राष्ट्रीय आंदोलन चला रही है, और भी कई पार्टियां हैं जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चला रही है, उनकी अलग अलग टाइप की डिमांड है, हमें आजादी दे दो, हमें फंडामेंटल राइट दे दो, हमें फाइनेंस का अधिकार दे दो, हमें ऑटोनॉमी दे दो, इस प्रकार की डिमांड, इन सारे डिमांड्स का असर ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट थे उनकी जनता पर पड़ा, और उन्होंने भी इस प्रकार की मांग अपने राजा से करना शुरू किया। उनको समझ में आया कि जो ब्रिटिश सरकार पूरे भारत में कर रही है वही हमारा राजा हमारे प्रिंसली स्टेट में कर रहा है, तो हमारे साथ कोई ऐसा विशेष अंतर तो है नहीं, इसलिए उन्होंने भी कांग्रेस के रास्ते पर चल करके अपने अपने राजाओं से डेमोक्रेसी और आजादी की मांग करने लगे, बिगिन टू डिमांड देयर राइट्स, अपने अपने अधिकार इत्यादि मांगने लगे। प्रिंसेस वर प्रोटेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब चूंकि जो राजशाही होती थी भारत में वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुजरेंटी में काम करती थी, ठीक है, इसलिए नो टेक केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, इसलिए उनको जनता की कोई परवाह नहीं थी, विद्रोह करेंगे ब्रिटेन की सेना आके दबा देगी, ठीक है, लेजर एंड एंजॉयमेंट, और अपना सारा समय मौज मस्ती ये तमाम चीजों में जो है लगाते थे। 1920 के आसपास अमेरिका की एक टाइम्स मैगजीन है, उस टाइम्स मैगजीन ने एक सर्वे किया था भारत के राजा महाराजाओं के लाइफ स्टाइल पर, और सर्वे में उन्होंने बताया था कि भारत के जो राजा महाराजे हैं उनमें एवरेज 3 पत्नियां होती हैं, उनके 13 बच्चे होते हैं, और उनके पास 4 बेहतरीन हाई क्लास कार्स होती है, इसके अलावा अपने 24 घंटे में से वो 18 घंटा मौज मस्ती में स्पेंड करते हैं, ये सर्वे एवरेज रूप से भारतीय राजा महाराजाओं पर बताया गया था। तो इस प्रकार का इनका लाइफ स्टाइल था, तो जनता पर कहां से ध्यान देंगे। 11वें नंबर पे वीक मिलिट्री स्ट्रेंथ, अंग्रेजों को इस बात का श्रेय दिया जाएगा कि 1858 के बाद उन्होंने भारत के सारे प्रिंसली स्टेट्स पर अपनी सुजरेंटी, अपनी अर्ध स्वायत्तता, सॉरी जो अर्ध संप्रभुता है वो स्थापित किया, और प्रिंसली स्टेट्स की सेना इत्यादि भंग कर दी गई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का दायित्व था उनको सेना का सुरक्षा इत्यादि देना। इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स के पास अपनी खुद की सेना नहीं बची, जो थोड़ी मोड़ी थी 2-4-5 सौ से कर नहीं सकती थी, तो अंग्रेजों के कारण
इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ इनके पास कुछ थी नहीं, इनमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि भारत आजाद हो जाए तो ये उनका विरोध करने के लिए अपने आप को कैपेबल पा सके। एक दो थे हैदराबाद जैसे, उन्होंने विरोध किया, यूरोप इत्यादि से हथियार खरीद कर दिए, लेकिन सारे स्टेट ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत कमजोर कर दिया था अंग्रेजी सरकार ने प्रिंसली स्टेट्स को, और आजादी के बाद उनके पास यही विकल्प था, या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में, और ज्यादातर ने डिसीजन भारत में ही मिलने का लिया था। नेहरू ऑल्सो वॉन्ट नो मिलिट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू स्टैंड अगेंस्ट इंडियन मिलिट्री। नेहरू ने यह कहा था प्रिंसली स्टेट्स से कि जब कभी भारत आजाद होगा तो प्रिंसली स्टेट्स के पास अपनी कोई सेना तो है नहीं, और वो भारत की सेना के सामने, जो भारत की सेना होगी उसके सामने टिके रहने की उनकी हिम्मत नहीं है। इसलिए प्रिंसली स्टेट्स को बगावत पर ध्यान न देकर के भारत में मिलने पर ध्यान देना चाहिए। नेहरूज डिक्लेरेशन इन 1947, 1947 में नेहरू ने यह भी डिक्लेयर किया, नो डिवाइन राइट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अब भारत में डेमोक्रेसी आ रही है, यहां पर कोई देवी अधिकार मोनार्की में जो होता है कि राजा देवता का प्रतिनिधि है, ये तमाम बातें यहां पर नहीं चलेंगी, ठीक है। एंड ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटशिप डज नॉट मीन सॉवरेंटी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। और जब ब्रिटेन सरकार ये देसी रियासतों को छोड़ करके चली जाएगी, उन पर ब्रिटिश पैरामाउंटशिप खत्म हो जाएगा, इसका यह मतलब नहीं है कि प्रिंसली स्टेट सॉवरेन हो जाएंगे, उनको पाकिस्तान या भारत कहीं ना कहीं मिलना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। प्रिंसली स्टेट ये वॉर्न किया था नेहरू ने, नो ऑप्शंस लेफ्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर प्रिंसली स्टेट थ्रू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। 1947 का जो एक्ट आया उसमें प्रिंसली स्टेट को दो ही ऑप्शन थे, या तो आपको भारत में मिलना या पाकिस्तान में, आजाद रहने का ऑप्शन, इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन था ही नहीं, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को थैंक्स कहना पड़ेगा, ठीक है। ये अलग बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अंदर ही अंदर चाहती थी कि प्रिंसली स्टेट्स आजाद रहे ताकि हम इनका उपयोग, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर भी शुरू हो गया था कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ, और ब्रिटेन कैपिटल खेमे से था, अमेरिका कैपिटल खेमे से था, तो ये चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स को अपना सैन्य अड्डा इत्यादि बनाने में उपयोग करेंगे, तो दिल से उनकी ख्वाहिश तो यही थी। और जब तक विंस्टन चर्चिल फरवरी 1947 तक जो प्रधानमंत्री थे अमेरिका के, वो थे विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल की पूरी इच्छा यही थी कि हम भारत को खंड खंड में तोड़ देंगे, प्रिंसली स्टेट्स को आजाद रहने देंगे और हम खुद उनका समर्थन करेंगे। लेकिन जब एटली की गवर्नमेंट वहां आई तो उसका रुख बदला और उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को ये वाला ऑप्शन नहीं दिया कि आप आजाद भी रह सकते हैं, इसके लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट को थैंक्स कहना जरूरी है, क्योंकि अगर ये वाला ऑप्शन रहता कि प्रिंसली स्टेट्स आजाद रह सकते तो भारत की स्थिति बहुत खराब होती, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 में कोई ऑप्शन ही नहीं था प्रिंसली स्टेट्स में, या तो इंडिया में मिली या पाकिस्तान में, ठीक है। प्लस पॉपुलर मूवमेंट्स माने प्रिंसली स्टेट्स की जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया कि अब हमें राजशाही नहीं चाहिए, अब हमें भारत में मिलना है। इन सारी परिस्थितियों ने जो राजशाही थे, रियासतें थी, उनको इतना कमजोर कर दिया कि उनमें से कुछ राजा भाग के पाकिस्तान चले गए, कुछ ने समर्पण कर दिया, कुछ ने भारत में विलय कर लिया, तो कोई ना कोई मजबूरी उनको इतना ज्यादा ला दिया गया था। इसके अलावा ग्रे टू द पॉइंट एंड टिट फॉर टैट डिप्लोमेसी बाय पटेल एंड मेमन, जो बीपी मेमन थे और पटेल थे, इनकी जो डिप्लोमेसी थी बहुत सुंदर थी, बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी थी, ताकतवर डिप्लोमेसी थी, टू द पॉइंट माने एकदम सटीक, और टिट फॉर टैट किस रियासत को किस तरीके से भारत में मिलाना है, ये सारी डिप्लोमेसी के कारण अल्टीमेटली प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलना ही था। इसके अलावा रोल ऑफ माउंटबेटन, माउंटबेटन उस समय हमने बड़ी एक अच्छी समझदारी की थी हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, कि 1947 के एक्ट में कहा गया था कि 15 अगस्त को तो भारत आजाद हो जाएगा और पाकिस्तान भी आजाद हो जाएगा, लेकिन दोनों को अपने अपने अलग अलग गवर्नर जनरल बनाने पड़ेंगे। भारत ने बड़ी समझदारी दिखाई, भारत ने माउंटबेटन से कहा आप ही हमारे गवर्नर जनरल बनो, लेकिन पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। तो माउंटबेटन के भी काफी सहयोग भारत को मिला, और प्रिंसली स्टेट्स माउंटबेटन को बड़ा मानते थे, तो माउंटबेटन ने भी पर्सनली कई एक लोगों से मिलकर के उसको भारत में मिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्लस कॉम्प्लेक्सिटीज इन स्ट्रक्चर, माउंटबेटन ने यही समझाया प्रिंसली स्टेट्स को, देखो आप लोग बहुत छोटे छोटे हो, आपके पास सेना नहीं है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, इसके अलावा आपका रेल है, टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, बहुत सारी चीजें भारत से होकर के गुजरती हैं, आपके पास बंदरगाह नहीं है, ये तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज आपको आएंगी, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज, संरचनात्मक, आपके पास रेल बनाने की क्षमता नहीं है, आप एयरपोर्ट्स नहीं बना सकते, ये तमाम चीजें। तो इस प्रकार से माउंटबेटन ने राजाओं को समझाया और बहुत सारे राजा प्रिंसली स्टेट्स में मर्ज हो गए। तो ये 15 कारण थे जिसके कारण अल्टीमेटली प्रिंसली स्टेट 1947 में इतने कमजोर थे, सेना नहीं थी,
जनता का दबाव था, कांग्रेस का दबाव था, माउंटबेटन का दबाव था, अल्टीमेटली उनको प्रिंसली स्टेट्स को भारत में विलय करना पड़ा। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग समझते हैं। पहला, वेयर इंडियन नेटिव स्टेट्स केम अंडर सुजरेंटी ऑफ ब्रिटिश राज। सुजरेंटी माने अर्ध संप्रभुता, अर्ध माने बाहरी क्षेत्र पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका मास्टर होगी और इंटरनल मामलों पर प्रिंसली स्टेट्स खुद अपना पॉलिसी वगैरह बनाएंगे। 1947 के विद्रोह के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया और इस 1858 के एक्ट में यह कहा गया था कि अब ब्रिटिश सरकार और भी प्रिंसली स्टेट्स को अपने कंट्रोल में नहीं लाएगी, लेकिन जितने प्रिंसली स्टेट भारत में बच गए हैं उन पर ब्रिटिश सुजरेंटी होगी, अर्थात उनको सेना रखने का अधिकार नहीं होगा, उनके पास राजा महाराजा निजाम इस प्रकार का कोई टाइटल नहीं होगा। ठीक है, उनको हम प्रिंस कहेंगे और उनका जो पिताजी है राजा के रूप में महाराजा के रूप में वो लंदन में बैठेगा और ब्रिटेन का राजा ही तुम्हारा राजा होगा। ये तमाम व्यवस्था इस व्यवस्था में किया गया था। ठीक है, ऑल देयर टाइटल्स वर अबॉलिश्ड। अब कोई निजाम नहीं है, कोई राय बहादुर नहीं है, कोई नवाब नहीं है, ठीक है, कोई जंग बहादुर नहीं है, इस प्रकार का कोई टाइटल नहीं होगा। ये सब के सब प्रिंस कहलाएंगे और इनका जो क्षेत्र है जहां पर ये शासन करते हैं वो प्रिंसली स्टेट्स कहलाएगा। ये किंग, बादशाह, एम्परर, ये तमाम टाइटल इनके पास नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, सुजरेंटी रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स वेरी विद देयर स्टेटस। अब चूंकि 600 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे और इनमें से कोई छोटे थे, कोई बड़े थे, कोई रिच थे, कोई पुअर थे, कहीं की पॉपुलेशन ज्यादा, कहीं की कम, कहीं पर व्यापार अच्छा हो सकता था, कहीं नहीं, तो इन तमाम चीजों को समझते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स को दो भागों में बांट दिया। एक वे जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात वायसराय ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे और दूसरे वे जो प्रोविंस अर्थात गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह प्रोविंस का मुखिया है उसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। 158 लार्जर प्रिंसली स्टेट्स, 158 जो जिनका क्षेत्रफल कुछ ठीक ठाक था, जो कुछ महत्व के प्रिंसली स्टेट थे, वर डायरेक्टली मैनेज्ड बाय वायसराय ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 600 के आसपास जो प्रिंसली स्टेट थे उनमें से 158 को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया, अर्थात उन पर शासन प्रशासन के लिए जो भी जिम्मेदारी बनती है वो वायसराय ऑफ इंडिया और उसकी जो काउंसिल है वो डायरेक्ट रूप से देखेगी। बाकी जो 400 के आसपास बचे वर मैनेज थ्रू एजेंसीज, जो 400 के आसपास बच गए उनके लिए अलग अलग एजेंसीज बनाई गई थी और एक एजेंसी के अंडर में 100, 200, 150 इस प्रकार के प्रिंसली स्टेट्स आते थे और इन एजेंसी का जो मुखिया है वो ब्रिटिश सरकार की ओर से इन प्रिंसली स्टेट्स का देखरेख करता था। ठीक है, अब ये जो एजेंसीज थी, एजेंसीज दो प्रकार की थी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी थी और कुछ प्रोविंसेस की एजेंसी। ये जो 158 बड़े प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी, लेकिन इनमें से 5 डायरेक्टली वायसराय और उसकी काउंसिल देखता था और बच गए 153, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एजेंसी बना दी थी। और इधर ये जो 400 के आसपास बच गए जो प्रोविंसेस को देखना है, तो प्रोविंस में जो गवर्नर है उसने भी अलग अलग एजेंसी बना दी थी और उन एजेंसी के माध्यम से प्रिंसली स्टेट्स का मैटर शॉर्ट आउट किया जाता था। ठीक है, तो देयर वर 5 एजेंसीज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 5 एजेंसी बनाई गई थी। ये 5 एजेंसी कौन कौन सी थी? पहला, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल इंडिया के जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई और उस एजेंसी का एक मुखिया होगा और वो मुखिया वायसराय की ओर से इन सारे प्रिंसली स्टेट्स पर अपना शासन इत्यादि का काम करेगा। तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी में 88 प्रिंसली स्टेट्स आते थे। ग्वालियर एजेंसी में 2 प्रिंसली स्टेट्स आते थे, एक रामपुर और दूसरा बनारस। बलूचिस्तान एजेंसी में 3 प्रिंसली स्टेट्स आते थे। राजस्थान एजेंसी, राजपूताना एजेंसी में 23 प्रिंसली स्टेट्स आते थे और ईस्टर्न स्टेट एजेंसी में 42 प्रिंसली स्टेट्स आते थे और टोटल इनकी संख्या थी 153। तो 158 में से 153 एजेंसीज के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल करती थी और जो 5 बड़े बड़े थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा इत्यादि, इन पे वायसराय डायरेक्टली रेजिडेंट रख करके, यहां पर रेजिडेंट रखे जाते थे 5 जगहों पर, तो रेजिडेंट के माध्यम से वायसराय यहां शासन करता था और बाकी 153 पे अपने एजेंट्स के माध्यम से शासन करता था। ठीक है, अब ये जो प्रोविंसेस के अंदर 400 के आसपास प्रिंसली स्टेट थी जो गवर्नर को देखना था प्रांतों के,
तो वहां पर भी एजेंसीज बनाई गई, यहां पर भी पांच एजेंसी बनाई गई पांच अलग अलग प्रांतों में। मद्रास प्रांत में पांच प्रिंसली स्टेट्स आते थे, बॉम्बे में 354 प्रिंसली स्टेट्स आते थे, सेंट्रल प्रोविंस में 15, पंजाब में 45 और असम में 26। तो ये पांच अलग अलग एजेंसियां थी, ठीक है, जो प्रोविंस के कंट्रोल में थी, और टोटल इनकी संख्या हो गई 555। तो 555 यहां हो गए प्लस 158 वहां हो गए, तो आप टोटल करेंगे 613 के आसपास संख्या इनकी हो जाती है, ठीक है। फॉर इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स, अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रिंसली स्टेट्स जिनकी संख्या पांच थी, ठीक है, उनके लिए गन सैल्यूट सिस्टम, गन सैल्यूट सिस्टम माने उनको तोपों की सलामी दी जाती थी। तो प्रिंसली स्टेट्स को उनके महत्व के आधार पर उनको वरीयता प्रेफरेंस देने के लिए एक प्रेसिडेंस ऑर्डर बनाया गया था, वरीयता क्रम, कौन सा प्रिंसली स्टेट ज्यादा महत्व का है, कौन कम का है, कौन उससे कम का, कौन उससे कम का। तो ऐसे लगभग 180 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको तोपों की सलामी दी जाती थी। इनमें पांच सबसे महत्वपूर्ण थे उनको 21 तोपों की सलामी, उससे कम महत्व वाले को 19 तोपों की सलामी, उससे कम महत्वपूर्ण जो है उनको 15 तोपों की सलामी, और जो सबसे आखिरी में आएगा उनको 3 तोपों की सलामी दी जाती थी। बात समझ में आ गई? तो पांच प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिनको 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। इनमें हैदराबाद, मैसूर, बरोड़ा, काश्मीर और ग्वालियर। इससे पता चलता है कि ये पांच सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसली स्टेट थे, ये सबसे बड़े भी थे, ये रिच भी थे, इनका महत्व उजागर होता है। 19 तोपों की सलामी दी जाती थी 7 राज्यों को, भोपाल को, भरतपुर को, इंदौर को, उदयपुर, कोल्हापुर, पटियाला, त्रावणकोर, जोधपुर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट स्टेट्स ऐसे हैं जिनको 19 तोपों की सलामी, पांच ऐसे थे जिनको 21 तोपों की सलामी, और इसके नीचे स्टेट्स की संख्या बढ़ती जाएगी और तोपों की संख्या कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम अंग्रेजों ने रखा था मान सम्मान देने के लिए। ब्रिटिश क्राउन डिक्लेयर्ड सक्सेसर ऑफ मुगल्स इन इंडिया, ये जो ब्रिटिश सरकार भारत में शासन करती थी वो ये कहती थी कि भारत में मुगलों के सक्सेसर हैं, हम मुगलों के उत्तराधिकारी हैं, और हमारा जो सबसे बड़ा बादशाह है वो लंदन में बैठा है, ठीक है। तो जब कभी वो आएगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव वायसराय ऑफ इंडिया, उसको 101 तोपों की सलामी दी जाती, ठीक है। वो खड़ा रहता था जब तक 101 तोप फट न जाए, मुझे फट न जाए मतलब गोले न दाग दे। आउट ऑफ 158 इंपॉर्टेंट स्टेट, अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में 158 प्रिंसली स्टेट थे, इनमें से 117 को गन सैल्यूट माने तोपों की सलामी दी जाती थी, और कुछ प्रांतों में भी थे तो कुल 180 को दिया जाता था तोपों की सलामी। तो 117 सेंट्रल में थे और बाकी जो बच गए वो प्रोविंसेस के थे। ब्रिटिश राज या इंडियन एम्पायर, ब्रिटिश राज या इंडियन एम्पायर का क्या मतलब, ब्रिटिश राज या इंडियन एम्पायर का मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप में जितने क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। तो ये था एक तो ब्रिटिश इंडिया जिनमें प्रोविंसेस आते थे बंगाल, मद्रास, कलकत्ता वगैरह, प्लस प्रिंसली स्टेट, प्लस प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट क्या होते थे, ब्रिटिश इंडिया भारत का वो हिस्सा था जहां अंग्रेज डायरेक्ट अपना शासन करते थे, यानी यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉवरेन होती थी। प्रिंसली स्टेट वे इलाके जिसको ब्रिटिश इंडिया में नहीं मिलाया गया लेकिन वो ब्रिटिश सुजरेंटी के अंतर्गत आती है, और प्रोटेक्टोरेट का मतलब कुछ ऐसे रियासतें थी भारत में जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर लिया था और अंग्रेजों का उन रियासतों के साथ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन एक संधि हुई थी कि जब कभी उस प्रिंसली स्टेट पर कोई दिक्कत आएगी तो ब्रिटिश सरकार उससे पैसा इत्यादि लेकर के सैनिक मदद उसको देंगे। ऐसे राज्यों को कहा जाता था प्रोटेक्टोरेट, और ऐसा भारत में एक महत्वपूर्ण प्रोटेक्टोरेट था सिक्किम। तो सिक्किम ना तो ब्रिटिश इंडिया का भाग था ना प्रिंसली स्टेट का भाग था, वो प्रोटेक्टोरेट था। ऐसे प्रोटेक्टोरेट और भी थे, अदन था, बहरीन था, ऐसे कई प्रोटेक्टोरेट बना रखे थे अंग्रेजों ने, ठीक है, जहां से अंग्रेजों को लगता था कि इसको इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, इसको बस अपने साथ में मिला के रखो, दैट्स इट, ठीक है। तो ब्रिटिश राज या इंडियन एम्पायर का क्या मतलब है, इसको ब्रिटेन वाले लोग कहते थे इंडियन एम्पायर, भारत के लोग कहते थे ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज में तीन चीजें थी, ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट और प्रोटेक्टोरेट, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम ओवर प्रिंसली स्टेट, अब प्रिंसली स्टेट पर कंट्रोल कैसा था भारत में देखते हैं। सबसे टॉप में बैठता था ब्रिटेन का क्राउन, भारत के सभी प्रिंसली स्टेट्स के जो पिताजी थे वो बैठते थे ब्रिटेन में, ठीक है। तो ब्रिटेन का एम्परर भारत के सभी रियासतों का एम्परर कहलाता था।
ब्रिटिश क्राउन के नीचे होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके नीचे भारत में वायसराय ऑफ इंडिया, और वायसराय ऑफ इंडिया के अंडर में आते थे सेंट्रल एजेंसीज, पांच सेंट्रल एजेंसीज जो हमने यहां पर पढ़ा, ठीक है, पांच रेजिडेंट। तो सेंट्रल एजेंसी जो पांच थी उसमें 153 प्रिंसली स्टेट्स आते थे, पांच जो बड़े महत्वपूर्ण थे वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट वायसराय के माध्यम से डायरेक्ट शासन करती थी, पांच रेजिडेंट रखे जाते थे। इसके अलावा प्रोटेक्टरेट्स में अदन आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, इस प्रकार से। अच्छा, वायसराय ऑफ इंडिया के नीचे गवर्नर, कहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहीं पर कमिश्नर, ठीक है। कुछ प्रांत ऐसे थे जो बड़े महत्वपूर्ण थे तो उसके मुखिया को हम कहते थे गवर्नर, कुछ जगह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ जगह पर कमिश्नर। और उसके नीचे आते थे पांच प्रोविंशियल एजेंसीज, और फिर उसके नीचे आते थे प्रिंसली स्टेट। इस प्रकार से सिस्टम था। इन जुलाई 1947 देयर वर 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस। जब भारत का विभाजन हो रहा था तो 17 ब्रिटिश प्रांत थी, ठीक है। इसके पहले मैंने 11 बताया था, वो 17 है, ये 17 के मैंने नाम भी लिख दिए। अजमेर, अंडमान निकोबार, असम, बलूचिस्तान, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, कुर्ग, दिल्ली, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उड़ीसा, पंत पिपलोदा, आज जो रतलाम है मध्य प्रदेश में, पंत पिपलोदा, पंजाब, सिंध और यूनाइटेड प्रोविंस, ये 17 प्रांत थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो इनमें से 3 टोटली पाकिस्तान में चले गए। कौन कौन चले गए पाकिस्तान में? पूरा का पूरा सिंध पाकिस्तान में चला गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस चला गया, और बलूचिस्तान चला गया। ये 3 तो पूरे के पूरे पाकिस्तान में चले गए। और पंजाब, असम और बंगाल, इन 3 का विभाजन हुआ, आधा पाकिस्तान को मिला, आधा इंडिया को मिला, और बाकी जो बच गया वो सब इंडिया में आ गए, ठीक है। प्रेसिडेंसी टाउन्स, अंग्रेजों ने भारत में प्रांत बनाने से पहले, सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो प्रेसिडेंसी टाउन बनाते थे, जहां पर उनका कोई मुखिया ठहरता था उसको बोलते थे प्रेसिडेंसी टाउन। ऐसे 3 प्रेसिडेंसी टाउन अंग्रेजों ने बनाए। पहला बनाया मद्रास 1640 में, फिर बनाया बॉम्बे 1687 में, फिर बनाया कैलकटा 1690 में। ये डेट भी याद रखना। धीरे धीरे जब उनकी ताकत भारत में बढ़ने लगी तो उन्होंने इन प्रेसिडेंसी टाउन्स को प्रेसिडेंसी का दर्जा दे दिया, माने एक प्रकार से प्रांत जैसे का दर्जा दे दिया। और बाद में इन्हीं प्रेसिडेंसीज को प्रांत बनाया गया, 3 प्रांत बनाए गए, और बाद में और भी प्रांतों की संख्या भारत में बढ़ाई गई। मैथड्स यूज फॉर इंटीग्रेशन, सरदार पटेल और मेनन ने किन किन तरीकों से प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाया, उसमें पहला था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, ये क्या है मैं पहले बता चुका हूं। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये क्या है मैं पहले बता चुका हूं। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के अंतर भी 3 तरीके उपयोग किए गए थे, मर्जर। अब चूंकि 565 रियासतें थी जिनको भारत में मिलाना, अब एक एक से बात करते एक एक को मिलाते तो बड़ी दिक्कत होती, इसलिए पहला तरीका पटेल ने लाया वो था मर्जर। मर्जर का मतलब जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं पहले उनको आपस में मिलाकर के बड़ा प्रिंसली स्टेट बनाया जाए। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में 200 के आसपास छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको मिला के एक प्रिंसली स्टेट बना दिया गया सौराष्ट्र। उसी प्रकार सेंट्रल प्रोविंस में 30 से ज्यादा छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, उनको मिला के एक बना दिया गया। पंजाब में छोटे छोटे बहुत सारे थे 14-15, उनको मिला के पेप्सू बना दिया गया। और पेप्सू क्या है मैं इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। राजस्थान में बहुत सारे छोटे छोटे थे, उनको मिला करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान बना दिया गया, ठीक है। तो अब इस प्रकार से भारत सरकार को, पटेल को, इन छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट से डील नहीं करनी थी। सौराष्ट्र के जितने 200 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे उनकी जगह अब सीधे सीधे हम सौराष्ट्र से डील करेंगे, ठीक है। और इन बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स जिनको छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट से मिलाकर के बनाया गया था, इनके मुखिया को कहा जाता था राज प्रमुख। तो अब सीधे सीधे हम राज प्रमुख से डील करेंगे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट से हम डील नहीं करेंगे। दूसरा मेथड था डेमोक्रेटाइजेशन, अर्थात कुछ राज्य जो थे वहां पर धीरे धीरे राजा की शक्ति इत्यादि कम करनी शुरू की गई, चुनाव इत्यादि की प्रक्रिया शुरू की गई, और धीरे धीरे उसको पूरी तरह से भारत में मिला लिया गया। और तीसरा था सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि पहले हमने कुछ प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि आपका अपना खुद का संविधान होगा, आप अपना खुद का संविधान बनाइए। कब तक? जब तक भारत का संविधान लागू नहीं होता तब तक आप अपना संविधान अपने हिसाब से बना सकते हैं, बाद में देखा जाएगा कि आपको भारत में मिलना है या नहीं मिलना है। तो ये 3 तरीकों से भारत में उनका विलय किया गया। यहां तक पूरा प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, उनका क्या रोल था, अंग्रेजों के साथ उनके क्या संबंध थे, ये तमाम चीजें हमने यहां पर डिस्कस कर ली। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत के बाद हमने इन राज्यों को कैसे आज के राज्य में लेके आए, तो इसकी पूरी कहानी मैं आपको इंडियन पॉलिटी में समझा चुका हूं, ठीक है।
कि इसके बाद तीन कैटेगरी के स्टेट्स हमने बनाए थे, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में लाया गया। ये तमाम चीजें मैं आपको इंडियन पॉलिटी में समझा चुका हूं, तो इसके बाद वाला टॉपिक आप इंडियन पॉलिटी से देख करके समझ लीजिएगा। यहां तक हमारा प्रिंसिपल स्टेट्स का मैटर जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।